दुनिया में हमारी प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग दुनिया में ये है कि किसी तरह मेरा नाम बड़ा हो जाए, लोग मुझे, मैं मशहूर हो जाऊं और मेरे पास माल बहुत ज्यादा आ जाए, हुस्न मेरा ज्यादा हो जाए, लोग मेरे आगे पीछे हों, मैं जो चाहूं कर लिया करूं, मैं सुपरस्टार बन जाऊं। ये सब किसी की ख्वाहिश है? ये भी अल्लाह ने दिखा दी। वो जो हिंदुस्तान का जो अदाकार जो जिसने खुदकुशी की है, सुशांत सिंह, यही नाम है उसका, 34 साल का। अब ये सारी चीजें उसके पास थी, मशहूरी भी, खूबसूरती भी, दुनिया भी पीछे, माल भी बेपना। अब क्या हुआ? वो सुशांत सिंह एक पैगाम देके गया है। अब मैं आपको एक पैगाम है हमारे लिए। क्या पैगाम है? कि दुनिया के जितने नौजवान ये बनना चाहते हैं जो वो बन चुका था, इससे मसला हल नहीं हुआ, इससे नहीं मसला हल, ना मशहूरी से मसला हल हुआ, ना माल से मसला हल हुआ, ना खूबसूरती से मसला हल हुआ, ना हीरो बन के मसला हल हुआ। दिल को सुकून ना मिल सका, दिल की बेचैनी बढ़ती रही, हत्ता के खुदकुशी तक बात चली। ये पैगाम है हर उस नौजवान के लिए जो ये बनना चाहता है। क्यों लोग ये टिकटॉक पे गाने बना रहे? क्या क्या मतलब है टिकटॉक क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं मशहूर हो जाऊं और पैसे आने शुरू हो जाए, माल आ जाए। नहीं मेरे दोस्त, मसला इससे हमारा हल नहीं होगा। अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, तुम्हारे दिलों को सुकून सिर्फ मेरी बात मानने से मिलेगा और नहीं मिलेगा मसला। और तुम्हारा मसला कोई हल, तुम्हारे हर मसले का हल मेरे पास है। ये अल्लाह का पैगाम है। तुम्हारे दिल को सुकून मैं दूंगा, तुम्हें मुतमईन मैं कर सकता हूं, तुम्हें माल मुतमईन नहीं कर सकता, तुम्हें मशहूरी मुतमईन नहीं कर सकती, तुम्हें मैं मुतमईन कर सकता हूं। मुझसे ताल्लुक जोड़ लो, इत्मीनान पा जाओगे। ये पैगाम है हर नौजवान के लिए। अल्लाह करे हमें ये बात समझ आ जाए।